चलो, तो आज जो हम पढ़ने वाले वो आपका कौन सा है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है, सुनना ध्यान से। जैसा हम लोगों ने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है ना, बस उसके आसपास ही है। यानी यहाँ पे मैं खाली इतना बोल सकता हूँ कि जो कंपनी है प्लस पार्टनरशिप फर्म के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बराबर, तो याद रखना सर, LLP इज नथिंग लाइक बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, मैंने पहले बोला है कि ये सब चीज़ें पहले से प्री डिटरमाइन नहीं थी, कि सर पहले से जब अपने इंडिया में लॉ बने थे वो टाइम पे कंपनी डिटरमाइन थी, प्रोपराइटर था, पार्टनरशिप फॉर्म था, LLP था, ऐसा कुछ नहीं था। धीरे धीरे इंसान की ज़रूरत बढ़ी, वो हिसाब से क्या हुआ, फिर उसके हिसाब से क्या हुआ, धीरे धीरे नई नई चीज़ें आने लगी। ठीक है, सुनना अभी। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने 9 जन 2017 को नोटिफाइड किया था अपना लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, LLP एक्ट 2008। बराबर, पार्लियामेंट पास द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बिल ऑन 12 दिसंबर 2008 एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सेंटेड ऑन बिल 7 जन 2009 एंड कॉल्ड एज द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। बराबर, ये अपने को इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट याद रखना कि हाँ, LLP एक्ट 2008, ऑब्वियसली लॉ कैसे पास होता है सर, लॉ हम लोग कहाँ पे जाते हैं, पहले पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा, और उसके बाद में प्रेसिडेंट मोदी क्या करते हैं, साइन कर देते हैं, क्या बन जाता है, वो एक्ट बन जाता है। ठीक है, LLP एक्ट 2008 हैज़ 81 सेक्शंस एंड 4 स्केड्यूल्स। सर टोटल LLP के एक्ट में 81 सेक्शंस है और 4 स्केड्यूल्स हैं। 4 स्केड्यूल्स रखने का रीज़न क्या होता है कि सर, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि बहुत बड़ा एक्ट है, ठीक है, जैसे LLP एक्ट कम से कम 200 पेज का है, एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसको है ना 4 शेड्यूल में डिवाइड किया गया है। यानी सपोज कुछ सेक्शन फर्स्ट शेड्यूल में रहेगी, कुछ सेकंड में, कुछ थर्ड में, कुछ फोर्थ में, ताकि क्या होगा मालूम है, अपने को जिधर जब भी वो सेक्शन ढूंढनी है तो अपने को प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ठीक है, यस, ऑब्वियसली जैसे मैं नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेता हूँ कि हम लोग जो लॉ का बुक है तुम्हारा मॉड्यूल, तो वो मॉड्यूल के अंदर हम लोग मालूम है लॉ पढ़ना है, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना है अपने को, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना है, फिर अपना कंपनीज एक्ट पढ़ना है, फिर LLP एक्ट अपने को पढ़ना है। सर पढ़ना हमको सब है, बट मेरे को बोलो अगर आगे इंडेक्स नहीं दिया होता है तो आपको हर एक चीज़ ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होगा, हर एक चीज़ आपको ढूंढने में बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, आपको आगे इंडेक्स दिया होता है। तो शेड्यूल्स भी वही है कि सर अगर आप कोई भी चीज़ ढूंढना है तो आपको मालूम है कि हाँ ये सेक्शन फर्स्ट शेड्यूल्स में, तो आप सीधा फर्स्ट शेड्यूल से ओपन करोगे। बराबर, सुनना अभी। द फर्स्ट शेड्यूल डील्स विद म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर एज वेल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड इट्स पार्टनर वेर देर इज एब्सेंस ऑफ फॉर्मल एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू देम। वो क्या बोलता है, पहला जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, म्यूचुअल राइट्स, कि क्या क्या राइट्स होते हैं पार्टनर्स के और लिमिटेड लाइबिलिटी के क्या क्या राइट्स होते हैं। ठीक है, तो वो आपको पहले कहाँ पे मिलेगा, शेड्यूल वन में मिलेगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे शेड्यूल टू में, डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ अ फर्म इनटू LLP। अगर किसी को पार्टनरशिप फर्म को LLP में कन्वर्ट करना है तो आपको शेड्यूल टू में उसका पूरे प्रोविजन आपको मिल जाएंगे। यानी मेरा पार्टनरशिप फर्म है, अपने को मालूम है पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है सर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अभी सर मेरे को क्या करना है, सर इसको कन्वर्ट करना है LLP। अभी LLP का खुद का नाम क्या, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो इतना फिक्स है कि यहाँ पे लाइबिलिटी क्या होगी आपकी, लिमिटेड, क्या होगी आपकी, लिमिटेड होगी। तो सर मैं क्या कर रहा हूँ कि यार क्यों बिना फालतू में टेंशन लूँ, पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होगा, अगर कुछ भी हुआ तो आपको घर से भी पैसा लेके आना पड़ सकता है, आपको आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी पार्टनरशिप फॉर्म का डेट पे करना पड़ सकता है। LLP में ऐसा नहीं है, LLP में क्या बोलते हैं कि हमें हमेशा LLP ही रिस्पॉन्सिबल रहती है, आपका लाइबिलिटी हमेशा क्या रहेगा, लिमिटेड रहेगा। ठीक है, ऑलरेडी कंपनीज एक्ट पढ़ा है हम लोगों ने, पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ा है, तो अपने को इतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा। यहाँ पे लाइबिलिटी लिमिटेड रहता है टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर। पार्टनरशिप फॉर्म में कोई शेयर नहीं होता है, LLP में आपके शेयर्स होते हैं, जितने मेरे पास शेयर्स पड़े हैं ना उतने तक का मेरा लायबिलिटी रहेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैंने 1000 शेयर्स खरीदे थे, पार्टनर हूं मैं, 1000 शेयर्स मेरे पास 800, तो मैं पूरे लाइफ टाइम में LLP को कितना दूंगा, 1,00,000 रुपया ही दूंगा, इससे ज्यादा मैं कभी भी घर से लेके नहीं आएगा। ठीक है, बराबर, ये सुनो। द थर्ड शेड्यूल्स डील विद द कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इनटू LLP।
अगर कोई कंपनी है वो किस में कन्वर्ट होना चाहती है, एलएलपी में कन्वर्ट होना चाहती है, तो थर्ड शेड्यूल में उसके पूरे प्रोविजन दिए हुए हैं। बराबर, पहला शेड्यूल क्या था? म्यूचुअल राइट्स ऑफ पार्टनर्स एंड एलएलपी। सेकंड कौन सा सर? कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी। थर्ड कौन सा? कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी। फोर्थ कौन सा है? कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। अगर कोई भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ऑलरेडी हम लोगों ने कंपनीज एक्ट में पढ़ा था, लिस्टेड पब्लिक कंपनी मींस ऐसा कंपनी जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, ठीक है, जैसे टाटा कंपनी बोल दो, रिलायंस बोल दो, ये सब क्या है मालूम है? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अगर मेरे को उनके शेयर्स परचेस करने हैं, मैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू परचेस कर सकता है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी मींस ऐसा कंपनी जो क्या है, लिस्टेड नहीं है, है पब्लिक कंपनी, वो चाहे तो पब्लिक से पैसा ले सकती है, बट वो लिस्टेड नहीं है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। जैसे एग्जांपल लेते पतंजलि, पतंजलि कंपनी ऐसी है जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, ठीक है, बराबर। तो टोटल चार शेड्यूल है। द फर्स्ट वन इज म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर एंड एलएलपी। सेकेंड कौन सा? कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी। थर्ड कौन सा? कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू एलएलपी। थर्ड कौन सा? कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। ये चार शेड्यूल्स में आपको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, बराबर। यस सर, सुनना भी ध्यान से। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड द रजिस्टर ऑफ कंपनी आर एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द एलएलपी एक्ट 2008। The central government has the authority to frame the rules with regard to the LLP Act 2008 and can amend them by notification in the official gazette from time to time. ठीक है, सुना ध्यान से। Already मैंने बताया हुआ है पहले भी कि अपने पास सर देखे जाए ना, तो अपने पास total तीन चीज है। First one is partnership firm, the second one is company and the third one is LLP, बराबर। सर पार्टनरशिप फर्म को जो संभाल रहा है ना, वो कौन सा? आपका रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, बराबर, आरओएफ। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? आरओएफ। यानी अगर पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करना है तो अपने को रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में अप्लाई करना पड़ेगा। यस, कंपनी और ये दोनों को कौन संभाल रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, एमसीए। कौन संभाल रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। और उसके अंदर पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन का अथॉरिटी, पूरा का पूरा प्रोसेस किसको दिया? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। किसको दिया है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरओसी। इसको अपन प्यार से क्या बोलते हैं? आरओसी। तो एलएलपी जो है उसको भी अगर रजिस्टर करना है तो उसको एमसीए के पास जाना पड़ेगा और जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा। और वहां पे रजिस्टर कौन करता है? रजिस्ट्रार और कंपनी, आरओसी करता है। पार्टनरशिप फर्म के लिए कौन करता है? आरओएफ, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। कौन करता है? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म करता है, ठीक है, बराबर। ये ऑलरेडी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है, एक बार वापस हम लोगों ने क्या कर दिया? उसको रिवाइज कर दिया, ठीक है, सुनना भी ध्यान से। इट इज आल्सो बी नोटेड दैट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज नॉट एप्लीकेबल टू एलएलपी। अपने को मालूम है एलएलपी का अलग से एक्ट है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यानी जो भी आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो भी प्रोविजन लिखे हुए, वो कभी भी एलएलपी को एप्लीकेबल नहीं रहेंगे, आपको वो देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यह सुनना भी। नीड ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सर एलएलपी की जरूरत क्यों पड़ी? मैंने जब कंपनीज एक्ट स्टार्ट किया था तो भी मैंने वहां पे बोला था कि पहले सोल प्रोप्राइटर होता था। अगर मेरे को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 5,000 रुपए का रिक्वायरमेंट है, कितने का रिक्वायरमेंट है? 5,000 रुपए का रिक्वायरमेंट है, मेरे को जरा भी टेंशन नहीं होगा, मैं घर पे जाएगा 5,000 रुपए निकाल के मैं दे देगा, ठीक है, बराबर। बट सर ये ठीक है, 5,000 का रिक्वायरमेंट है, मैं घर पे गया, मम्मी को बोला मम्मी 5,000 रुपया दे दो, मैंने ले लिया और मैंने लाके इन्वेस्ट कर दिया। बिकॉज आई एम द सोल ओनर, मैं अकेला एक बंदा हूँ जो ओनर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्रेटर। यानी पहले वही था, अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है। धीरे 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 डिमांड बढ़ने लगा, धीरे धीरे मालूम पड़ा कि यार बहुत सारे, जैसे 2,00,000 रुपया चाहिए तो मैं अकेला इन्वेस्ट करूंगा और इनकेस अगर कुछ लॉस हो गया तो पूरा का पूरा लॉस मेरे को बेयर करना पड़ेगा। तो दो लोग मिलके क्या करते हैं? बिजनेस स्टार्ट करते हैं। रीजन इज टू अर्न प्रॉफिट। उनका रीजन क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था? पार्टनरशिप फर्म दिया था, बराबर। एज वी ऑल नो, पार्टनरशिप फर्म का कोई लीगल स्टेटस नहीं होता, यानी पार्टनरशिप फर्म को अलग सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। पार्टनर्स है तो पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनर नहीं तो पार्टनरशिप फर्म नहीं। अपन ऑलरेडी पढ़ा है कि तीन लोग होते हैं पार्टनर, उसमें से दो लोग चले गए तो वो ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाती है, उसको अलग से ऐसा नहीं कि भाई डिसॉल्व करना है, ठीक है, ऑटोमेटिक उसको डिसॉल्व मान लिया जाता है। 6 महीने के अंदर आपको डिसॉल्व भी करना पड़ेगा, ये सुन लो। बट सर वहां पे लायबिलिटी होती थी अनलिमिटेड,
अनलिमिटेड मतलब आपको क्या मालूम है, घर पे जाइए आप, अगर कुछ भी पार्टनरशिप फर्म का क्रेडिटर्स पे करना, आपको घर पे जाके घर का पैसा लाके भी उनको देना पड़ेगा, घर बेच के आपको पैसा देना पड़ेगा. यस, दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी. कंपनी आया, कंपनी में क्या है कि आप जितने शेयर्स खरीद रहे हो वो शेयर्स खरीदो बराबर. यस, उसके बाद में आप क्या करो सर, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, बहुत सारी कंपनियां हैं. बट कंपनी में क्या था मालूम है कि सर प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है. कंपनी के अंदर स्टैचुटरी ऑडिट करवाओ बराबर ना, आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा, ये करो वो करो, देर आर सो मेनी रिक्वायरमेंट्स इन द कंपनी. अभी पब्लिक क्या बोलता है कि यार पार्टनरशिप फर्म में जाएगा ना, मैं अगर मैं कहाँ पे जाता है पार्टनरशिप फर्म में जाता है तो लाइबिलिटी हो जाएगी अनलिमिटेड. लाइबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, अनलिमिटेड हो जाएगी. और अगर मैं जाता हूँ कंपनी में तो सर देर आर सो मेनी रिक्वायरमेंट्स, ये फॉलो करो, ये फॉलो करो, सेबी का फॉलो करो, कंपनीज एक्ट फॉलो करो, अगर लिस्टेड हो गए तो वो फॉलो करो, यानी बंदा क्या होता है पागल हो जाता है. तो वो बोलता है कि यार मैं आगे कुआ और पीछे खाई बराबर ना, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ पे, आगे है पार्टनरशिप में जो नहीं जाना है, क्योंकि अगर उसमें गए तो घर से भी पैसा लाना पड़ सकता है, और कंपनी में गए तो सर वो केस में अपने को सर बहुत सारी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी. तो जाना किधर, तब जाके गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया 2008 में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. यानी ये दिस इज द हाइब्रिड वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड कंपनीज एक्ट. हाइब्रिड मीन्स सर, सर ये एक ऐसा वर्जन है, ऐसा वर्जन जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पार्टनरशिप फॉर्म की रहेगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके कंपनीज एक्ट की रहेगी. तो ये दिस इज द हाइब्रिड वर्जन ऑफ बोथ बराबर ना. यस, तो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया, ठीक है, जिससे क्या मालूम है, जो छोटे लोग हैं ना वो थोड़े सिक्योर हो जाते हैं कि हाँ चलो यार अभी कोई टेंशन नहीं है ना, मेरे को घर से पैसा लेके आना पड़ेगा और ना देर आर सो मच प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना बिजनेस एकदम शांति से चला सकते हैं, ठीक है. ये सुनो, सुना भी ध्यान से. LLP इज अ न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद लिमिटेड लाइबिलिटी. अभी एज वी ऑल नो LLP स्टैंड फॉर द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. यानी इतना फिक्स है कि सर इनका लाइबिलिटी क्या होगा, लिमिटेड बराबर. अगर LLP का लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होना था तो हम लोग क्या करते, पार्टनरशिप फॉर्म ही स्टार्ट कर देते, क्योंकि दोनों सेम ही है फिर. तो इसके लिए LLP में क्या बोला मालूम है कि बेटा जितना तू शेयर्स खरीदेगा ना, जितना तू क्या करेगा शेयर्स खरीदता है, उतना ही तेरे को लाइबिलिटी बनेगा, उतना ही तू घर से लाके LLP को दे, बाकी तेरे को लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है. ये सुनो, इट इज एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल दैट नॉट ओनली गिव्स द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी एट लो कंप्लायंसेस कॉस्ट बट ऑल्सो अलाउ इट्स पार्टनर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर एज अ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप बराबर ना. ये सुनो, यानी मैंने वही बोला कि ये दोनों क्या आपके सर कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड आपका कंपनी, यानी दोनों. कंपनी में क्या था, सेपरेट लीगल एंटिटी, तो LLP और पार्टनर बोथ आर दी सेपरेट लीगल एंटिटी, दोनों क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है. यस बराबर, तो सेम चीज, LLP इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड वाइल द LLP इटसेल्फ विल बी लायबल फॉर फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स असेट एंड द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स विल बी लिमिटेड बराबर. यानी सेपरेट लीगल का बेनिफिट ही वो होता है कि सर LLP का काम LLP संभालेगा, पार्टनर्स का काम पार्टनर संभालेगा. यस और नो, लेकिन पार्टनरशिप में क्या था कि अगर एक पार्टनर कोई ऐसा काम करके आया है, कोई भी उसने ट्रांजेक्शन किया है, तो वो सब पार्टनर्स को बाइंड कर देता है. जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैंने, मेरे को अलॉट हुआ है कि भाई तू सेल्स परचेज, ये मेरा राइट है बराबर, राइट, नॉर्मल राइट ऑफ द पार्टनर, सेल्स करो परचेज करो बराबर. मैंने एक परचेज किया 10 लाख का, जैसे ही मैंने वो 10 लाख का परचेज किया पार्टनरशिप फर्म में, तो ऑटोमेटिकली सब पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, लायबल. अभी सुनना, सब पार्टनर मतलब पार्टनरशिप फर्म लायबल हो जाएगी कि सपोज दर्शन क्या किया, एक बंदे से परचेस करके आया है, तो मेरे को 10 लाख रुपया उसको देना पड़ेगा. और अगर पार्टनरशिप फर्म पैसा कहाँ से देगी, पार्टनर्स को बोलेगी अगर भाई पैसा नहीं है घर पे जाइए पैसा लेके आइए आप दे दीजिए बराबर. ये सुनो, यानी वहां पे ऐसा था कि सर ईच एंड एवरी पार्टनर जो बाइंड करता है दूसरे पार्टनर्स को, यानी अगर मैंने कुछ डिसीजन लिया है तो तू भी बाइंड हो जाएगा, ठीक है. बट LLP में ऐसा नहीं है. LLP में क्या होता मालूम है, अगर मैंने गलती किया तो मैं लायबल हूँ, दूसरा पार्टनर लायबल नहीं रहेगा. अगर उसने गलती किया वो लायबल है, अगर तीसरे ने गलती किया वो लायबल है. यानी आपको यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक ने गलती किया तो सब लायबल हो जाएंगे, कंपनी में ऐसे होता है. तो इन शॉर्ट में ऐसा बोलता हूँ कि LLP इज नथिंग बट हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी. यस बराबर. LLP इज ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस form that gives the benefit of limited liability of a company and the flexibility of a partnership. ठीक है बराबर. यस और नो,
Since LLP contain element of both a corporate structures as well as partnership form structure, LLP is a hybrid between company and the partnership. ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत बार बोल दिया है उसको. चलिए कुछ एक बार देख लेते हैं इसको कि एक्सैक्ट ये है क्या. LLP itself will be liable for the full extent of its asset. जितना LLP के पास असेट पड़ा है वहां तक वो खुद लायबल है, वो अपने असेट बेच के पेमेंट करेगी. ठीक है, लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स विल बी लिमिटेड. पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या होगा? लिमिटेड होगा. वो घर से कोई पैसा लेके नहीं आएगा. न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद लिमिटेड लायबिलिटी बराबर ना. यस, यानी LLP क्या एक नया बिजनेस फॉर्म है जो आपको लिमिटेड लायबिलिटी का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. बराबर ना. यस, ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल. यस, जो छोटे छोटे लोग हैं जिनको पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करना अच्छा नहीं लगता, वो क्या कर सकते हैं सर? एलएलपी के थ्रू बिजनेस रन कर सकते हैं. अलाउ द पार्टनर्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर. बराबर ना. यस, कंपनी में क्या होता मालूम है? कंपनी में क्या होता था कि सर अभी कंपनी में डायरेक्टर होते हैं, मेंबर्स होते, तो कुछ भी डिसीजन रहेगा सबको बुलाना पड़ता था. यानी इतने लोग फ्लेक्सिबल नहीं थे. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि 100 ओनर है, यानी एक कंपनी के 100 मालिक है, उन्होंने क्या किया, 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बनाया. ठीक है, कि देखो हम रेगुलर तो कंपनी में नहीं आ सकते बिजनेस एक्टिविटी के लिए, आप चारों क्या कीजिए, हमारे बिहाफ पे कंपनी संभाल लीजिए. ठीक है, और उन्होंने क्या बोला, ठीक है हम आपकी कंपनी संभाल लेंगे. अभी कंपनी तो संभाल लेंगे, वो संभालना भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया. बट होता ये था कि यार कोई भी डिसीजन लेना है मेरे को, मेजर डिसीजन, तो मेरे को उनको बुलाना पड़ता था कि आइए आप, बराबर ना, आप आइए डिसीजन लीजिए. बराबर, तो वो चक्कर में देयर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी कि मैं फ्री नहीं हूँ. बराबर, या अगर मेरे को कोई ऐसा बोलता है कि भाई देख तू मेरे भी आप पे काम कर, बराबर जो तेरे को करना वो कर, बट जो भी करेगा मेरे को पूछना, तो सर वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है. यानी मेरे को करना तो है बट मेरे को उसको पूछना भी पड़ेगा कि भाई मैं करूँ या नहीं करूँ. अभी वो हाँ बोलेगा, वो ना बोलेगा, बोलेगा चुपचाप बैठ जा, तो मेरे को चुपचाप बैठना पड़ेगा. तो कंपनी में वो प्रॉब्लम बहुत थी. बट सर अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं देखता हूँ कि LLP में 3-4 पार्टनर होंगे, वहां पे कोई ओनर शेयर ऐसा कुछ होता नहीं है, 3-4 पार्टनर है, तो चारों पार्टनर को क्या बोला है, मिलके जो भी करना कर सकते हो. हाँ भले ही वो हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है, बट फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ की है? पार्टनरशिप फॉर्म की है. पार्टनरशिप फॉर्म में भी हम लोग क्या करते हैं, चारों पार्टनर मिल गए, हाँ भाई उससे परचेस कर लो, मैंने परचेस कर लिया, बात खत्म हो गई, वहां पे किसी को बुलाना नहीं है, किसी को ये नहीं करना है. यानी देयर आर सो मच फ्लेक्सिबिलिटी इन पार्टनरशिप फॉर्म. तो वही फ्लेक्सिबिलिटी को कहां पर डाल दिया, एलएलपी में भी डाल दिया. ठीक है, यानी आप चाहो तो, आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, पार्टनरशिप फॉर्म के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास रहेगी, आप जो चाहो डिसीजन ले लो, आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है. बराबर, ये सुनो, समझा यहां तक? Important definitions. Body corporate. It means a company as defined in Section 3 of the Companies Act 1956, now Companies Act 2013, include LLP registered under this Act. यानी LLP को भी हम लोग क्या बोलेंगे? Body corporate. A LLP incorporated outside India. अगर बाहर की कोई भी LLP है तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? Body corporate बोलेंगे. A company incorporated outside India, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? Body corporate. But does not include a corporation sole, yes, a cooperative society and sole proprietor, a cooperative society registered under any law for the time being in force. यानी कोई भी cooperative society है तो उसको हम लोग body corporate कभी भी नहीं बोलेंगे. बराबर, यह सुन लो. और any other body corporate not being a company as defined in section 3 of Companies Act 1956 or a limited liability partnership as defined in the act. यानी वो क्या बोलता है, और दूसरे कोई भी लोग हैं जो कंपनी नहीं है और एलएलपी नहीं है, क्योंकि कंपनी और एलएलपी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट बोल ही रहे हैं. ठीक है, तो उनको छोड़ के बाकी कोई रह गए उनको हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोलते. जैसे सोल प्रोप्राइटर हो गया, फिर आपका हो गया ये पार्टनरशिप फर्म हो गया, बराबर एचयूएफ हो गया, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है. बराबर, ये सुन लो. बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड
ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग, प्रोफेशन, सर्विस एंड ऑक्यूपेशन, यानी जो भी आप बिजनेस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, एवरी ट्रेड, जो भी आप काम करते हो, प्रोफेशन, सर्विसेज एंड ऑक्यूपेशन. डेजिग्नेटेड पार्टनर मीन्स एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड एज सच पर्सुएंट टू सेक्शन 7. बराबर. डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है कि सर देखो, हमने LLP तो बना लिया, बट वहाँ पे बहुत सारी जगह ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी का चाहिएगा अपने को, साइन वाइन करना, फिर फॉर्म भरना. तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को हम लोग अपॉइंट करते हैं. किसको अपॉइंट करते हैं हम लोग, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को हम लोग क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं. बराबर. यस. एंटिटी मीन्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 18, आगे पढ़ेंगे हम लोग. फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू द LLP मीन्स द पीरियड फ्रॉम 1st day of April टू द 31st March ऑफ द फॉलोइंग ईयर. वही बोलता है जैसे हम लोग बात करते हैं 2020-21, तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया, 1st अप्रैल 2020 से लेके 31st मार्च 2021, यानी जो सबके लिए फाइनेंशियल ईयर है वो हमारे लिए भी क्या है, फाइनेंशियल ईयर है. हाउएवर इन केस ऑफ LLP इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर द 38th डे ऑफ द सितंबर ऑफ अ ईयर, द फाइनेंशियल ईयर में एंड ऑन द 31st डे ऑफ मार्च ऑफ द ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर. बराबर ना, ये सुनो. वो क्या बोलता है कि सर अगर कोई भी LLP 30th सितंबर को कभी 30th सितंबर के बाद में रजिस्टर्ड हुई है, बराबर, द फाइनेंशियल ईयर में एंड ऑन द 31st डे ऑफ द मार्च ऑफ द ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर. बराबर. यस. सुनना भी. जैसे एग्जांपल लेते हैं, अपना नॉर्मली फाइनेंशियल स्टार्ट कहाँ से होता है, 1st April 19, और खत्म कहाँ पे हो सकता है, 31st मार्च 2020. ये नॉर्मल है. बराबर. मेरा बिजनेस चलता आ रहा है तो मेरे को ये फॉलो करना है. बट सर अगर मेरा कोई LLP जैसे रजिस्टर्ड कभी हुआ है सर 7 अक्टूबर 2019, कभी हुआ है 7 अक्टूबर 2019, ये डेट को मैंने क्या करवाया, LLP रजिस्टर्ड करवाया है. बराबर. तो वो क्या बोलता है, इन दैट केस आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो जाएगा, 7 अक्टूबर 2019 से लेके 31st मार्च 2020, यानी आपका फाइनेंशियल ईयर होगा 7 अक्टूबर 19 से लेके 31st मार्च 2020. वो क्या बोलता है, अगर आपने बिजनेस सितंबर के बाद में स्टार्ट किया है तो अगले 31st मार्च तक आपका क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा. ठीक है. बराबर. अदरवाइज पूरा का पूरा अपने को मानना पड़ता है. फॉरेन LLP मतलब क्या होगा, ऐसा LLP जो इनकॉर्पोरेटेड कहाँ पे हुआ है, आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन LLP. ठीक है. बराबर. ये पढ़ा हमने. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इट मींस एनी रिटन एग्रीमेंट बिटवीन. मैं अगर आपको बोल दूं तो पार्टनरशिप डीड कैसा होता था, वैसा ही क्या होगा यहाँ पे, LLP डीड बोल सकते हैं हम लोग इसको. बराबर. यस. यानी जहाँ पे हम लोगों ने क्या है, कितना रेशियो रहेगा, कितना कैपिटल है, कितने शेयर से. बराबर ना. जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज है वो हम लोग कहाँ पे डालते थे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डाल देंगे. बराबर. यस और नो. तो ऑलमोस्ट सब चीजें आपको वहां से मिलेगी जो हमने कहाँ पे पढ़ी थी सर, जो हम लोगों ने पढ़ी कहाँ पे थी, पार्टनरशिप फॉर्म में. ठीक है. बराबर. सुनना भी ध्यान से. पार्टनर वही होता है, एनी पर्सन हु बिकम पार्टनर इन द LLP इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट. जो एग्रीमेंट में बंदा पार्टनर बना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टनर बना बोलेंगे. और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कभी भी एप्लीकेबल नहीं रहेगा. बराबर. सुनना भी ध्यान से. पार्टनर्स मीन्स एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट मे बी अ मैनर इन LLP. कोई भी इंडिविजुअल पार्टनर बन सकता है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकता है. However, an individual shall not be capable of being partner of a LLP if he has been found to be unsound mind. यानी अगर वो पागल माइंड का है, by court, court ने बोला कि ये बंदा पागल है, ठीक है, तो वो कभी भी LLP का पार्टनर नहीं बन सकता. He is an undischarged insolvent. बराबर ना. ये ऐसा बंदा है जिसका अभी तक liability discharge नहीं हुआ है. बराबर. उसने अभी तक जो insolvent है और उसने liability pay नहीं किया है, तो उसको वो कभी भी LLP का पार्टनर नहीं बनेगा. इन शॉर्ट, जो इंसॉल्वेंट है वो कभी भी LLP का पार्टनर नहीं बनता है. ही हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग. बराबर. उसने खुद ने अप्लाई किया कि मैं इंसॉल्वेंट हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, बस मैं इंसॉल्वेंट हूँ, और उसका एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग है, तो वो कभी भी अप्लाई नहीं कर सकता. क्योंकि जब इंसॉल्वेंट है तो वो कभी भी LLP का पार्टनर नहीं बन सकता, और अगर उसका एप्लीकेशन भी पेंडिंग है तो भी वो LLP का पार्टनर कभी भी नहीं बन सकता है. बराबर. ये सुनो. चलिए.
मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट टू पार्टनर. ये तो अपने को मालूम है कि एलएलपी इज नथिंग बट अ हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म. बराबर. तो पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम पार्टनर कितने होते हैं? दो. तो उन्होंने भी वही बोला कि दो पार्टनर मिनिमम होने चाहिए. ठीक है, अभी सुनना. इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ एलएलपी इज रिड्यूस्ड बिलो टू एंड द एलएलपी कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन सिक्स मंथ. यानी सर देखो, मेरे पास पार्टनर दो थे बट किसी भी रीजन से पार्टनर क्या हो गया? एक हो गया, कोई भी रीजन से, और मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने बिजनेस रन करते गया. और एक पार्टनर जब हुआ ना, उससे लेके छः महीने तक मैंने बिजनेस रन किया है. यानी मैं छः महीने हो गया मैं बिजनेस रन नहीं कर रहा, मेरे को मालूम ही नहीं, मालूम भी है, फर्क नहीं पड़ा, करते हैं. हु इज द ओनली पार्टनर ऑफ द एल एल पी ड्यूरिंग द टाइम दैट इट सो कैरीज ऑन बिजनेस आफ्टर दो सिक्स मंथ एंड हैज द नॉलेज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज कैरिंग ऑन बिजनेस विथ हिम अलोन shall be liable personally for the obligations of the LLP incurred during that period. बराबर. यानी वो क्या बोलता है कि अगर अकेला बंदा है जो बिजनेस क्या कर रहा है, रन कर रहा है, ठीक है, कितने महीने हो गए? छह महीने से ज्यादा हो गया, उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी आपकी repercussions होगी, जो भी आपके सर consequences होगी, बराबर, कुछ भी हुआ तो उसके लिए कौन liable रहेगा? ये अकेला बंदा, वन मैन आर्मी क्या रहेगा? लाइबल रहेगा. बराबर. यस और नो? ठीक है. यानी वो वही बोलता है कि देखो, दो लोग तो होने चाहिए, और मैंने दो से बिजनेस स्टार्ट किया, एक ने छोड़ दिया और मैंने ध्यान ही नहीं दिया, एलएलपी में चला ही रहा हूं, मैं अकेला बंदा एलएलपी रन कर रहा हूं, जबकि एलएलपी में मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए? दो पार्टनर आपके होने चाहिए, तो भी मैं क्या कर रहा हूं? रन कर रहा हूं. तो इन दैट केस क्या बोला उन्होंने कि सर अगर ऐसा कोई भी केस हुआ ना, तो वो केस में छह महीने से ज्यादा आपका पार्टनर बिजनेस रन हो रहा है, तो जो भी ड्यूरेशन में जब वो अकेला बंदा था, उसके लिए वो अकेला बंदा क्या रहेगा? लायबल रहेगा. बराबर. ये सुनो. ठीक है. डेजिग्नेटेड पार्टनर एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट टू डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. यानी वो क्या बोलते हैं कि सर हर एक एलएलपी के कितने पार्टनर्स डेजिग्नेटेड होने चाहिए? टू. हु आर इंडिविजुअल, और प्लस क्या होने चाहिए? वो इंडिविजुअल. अपने को मालूम है कि एलएलपी में सर, एलएलपी में दो पार्टनर बन सकते हैं, एक कौन? इंडिविजुअल, एक कौन? बॉडी कॉर्पोरेट. बराबर. यानी कंपनियां हो गई, दूसरी को एलएलपी है, वो पार्टनर बन सकती है. बराबर. तो वही बोलते हैं कि सर आप जो डेजिग्नेटेड पार्टनर जो आपके बिहाफ पे साइन करेगा, फॉर्मेलिटीज पूरी करेगा, फॉर्म भरेगा, तो वो कितने होने चाहिए? एटलीस्ट टू डेजिग्नेटेड पार्टनर आपको अपॉइंट करने पड़ेंगे, प्लस वो क्या होने चाहिए? इंडिविजुअल, और उसमें से एक क्या होना चाहिए? रेसिडेंट इन इंडिया. अभी बच्चों मेरे को बोलो, रेसिडेंट इन इंडिया किसको बोलेंगे? जो हम लोगों ने वन पर्सन कंपनी में पढ़ा था, मोर देन इक्वल टू 182 डेज कहाँ पे रहता है वो? इन इंडिया, भारत में रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिडेंट इन इंडिया. तो सुनना सर, डेजिग्नेटेड पार्टनर कितने होने चाहिए? दो पार्टनर. कितने होने चाहिए? दो पार्टनर. सर क्या दोनों पार्टनर इंडिविजुअल होने चाहिए? यस, दोनों पार्टनर सीता, गीता, राधा, मोहन, श्याम, राम, बराबर ना, ऐसा होना चाहिए. ठीक है, रिलायंस ऐसा नहीं होना चाहिए, रिलायंस टाटा ऐसा होना नहीं चाहिए. ठीक है सर, दोनों पार्टनर, अगर सबको दोनों पार्टनर फॉरेन के तो चलेगा, नॉन रेसिडेंट? नहीं नहीं बेटा, दोनों में से एक बंदा, एटलीस्ट वन, इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए. सर रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? रेसिडेंट का मतलब वो इंडिया में एटलीस्ट 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में काम करना चाहिए, सॉरी रहना चाहिए. बराबर. ये सुनना. ठीक है. इफ इन एलएलपी ऑल द पार्टनर्स आर बॉडीज कॉर्पोरेट. सर अपने को मालूम है कि एलएलपी में पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट हो सकते हैं. ठीक है, बराबर. ये सुनो. या फिर वन और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल एंड बॉडीज कॉर्पोरेट, एटलीस्ट टू इंडिविजुअल हु आर पार्टनर ऑफ सच एलएलपी और नॉमिनीज ऑफ सच बॉडीज कॉर्पोरेट शैल एक्ट एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर. ठीक है, बराबर. सर आपने क्या बोला कि एलएलपी होता है ना, देखो पार्टनरशिप फॉर्म में इंडिविजुअल ही होता है, वहां पे कुछ ऐसा कंपनी वंपनी ऐसा नहीं हो सकता. एलएलपी सर या तो इंडिविजुअल हो सकता है पार्टनर, या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है. बराबर. अभी सुनना सर, सपोज अपना ये है सीए हब एलएलपी, इसके अंदर कुछ ऐसा सिस्टम है, एक पार्टनर है मिस्टर राहुल. बराबर. राहुल का आज बर्थडे है 7 अक्टूबर को, तो हम लोग उसको बर्थडे विश भी कर रहे हैं. हैप्पी बर्थडे राहुल, मे गॉड ब्लेस यू, सब आपको खुशियां मिले. और राहुल को हमने क्या बना दिया?
पार्टनरशिप एलएलपी का पार्टनर बना दिया, ये क्या बन गया? डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है, पार्टनर्स दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा होने चाहिए, बट हाँ अगर 10 भी पार्टनर है तो एटलीस्ट दो पार्टनर आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। अभी सर एक बना है रिलायंस कंपनी, रिलायंस कंपनी सर ये तो है बॉडी कॉर्पोरेट, क्या बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकते हैं? यस, तो अपने पास पार्टनर नंबर एक, पार्टनर नंबर दो, बराबर। बट सर मेरे को टेंशन ये हो रहा है, अपने को टेंशन ये होता है कि यार अपने को क्या ढूंढना है, अपने को डेजिग्नेटेड पार्टनर ढूंढना है, और सर ने बोला था कि डेजिग्नेटेड पार्टनर तो हमेशा इंडिविजुअल ही होने चाहिए, उसमें से एक इंडिया का होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। तो डेजिग्नेटेड में पहला नाम लिख दिया हम लोगों ने राहुल का, क्योंकि राहुल इंडिविजुअल है, मैंने नाम डाल दिया, चलो एक तो हो गया। सेकंड नाम में लिखने जाता रिलायंस का, किसी ने मेरे को थप्पड़ मार दिया, अरे भाई रिलायंस किधर इंडिविजुअल हुआ? रिलायंस तो बॉडी कॉर्पोरेट है, रिलायंस तो कंपनी है, तो वो डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकते। तो क्या करेंगे सर वो केस में, कि एलएलपी बंद कर दे? नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप जब खुद बोलते हो कि बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकता है, तो कभी कभार ऐसी कंडीशन आ सकती है जहां पे एक इंडिविजुअल है और दूसरा रिलायंस है। यस, तो उन्होंने क्या बोला कि ऐसा करो, रिलायंस क्या करेगा, एक नॉमिनी सिलेक्ट करेगा, रिलायंस अपने वास्ते एक नॉमिनी सिलेक्ट करेगा, और उन्होंने नॉमिनी किसको सिलेक्ट कर दिया, मिस संजना को सिलेक्ट कर दिया, बराबर। तो संजना क्या बन जाएगी? डेजिग्नेटेड पार्टनर, मिस संजना, बराबर, वो क्या बन जाएगी? डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है, यस और नो। तो अपने पास दो हो गए। तो याद रखना, जब आपके पास बॉडी कॉर्पोरेट ही पार्टनर है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अपने सीए हब एलएलपी में दो कंपनियां पार्टनर है, जैसे एक टाटा एक कौन है रिलायंस, तो मैं सर देखो पार्टनर दो हो गए, मैंने कंडीशन सेटिस्फाइड कर लिया पार्टनर का, एटलीस्ट टू पार्टनर होने चाहिए। बट सर अभी ये पार्टनर में से अभी मैं किसको पकड़ू? टाटा को पकड़ू? आजा नहीं आएगा, क्योंकि टाटा क्या बोलते हैं भाई, डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होना चाहिए? इंडिविजुअल होना चाहिए, और हम लोग तो कंपनी है। तो टाटा और रिलायंस क्या करेंगे, अपने में से कोई एक नॉमिनी सिलेक्ट करते हैं कि भाई तू जा, भाई तू जा। तो दोनों नॉमिनी चले गए, दो मेरे इंडिविजुअल आ गए, और दोनों को मैं क्या बना दूंगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दूंगा। यस और नो? एंड सर व्हाट डू मीन बाय दिस? रेसिडेंट इन इंडिया, अ पर्सन हु इज स्टेइंग इन इंडिया नॉट लेस देन 182 डेज, इन शॉर्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 182 डेज, बराबर। यस और नो? काई पण तकलीफ, मेरे हिसाब से याद तक कोई भी प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अभी सुनना ध्यान से, कैरेक्टरिस्टिक्स और सेलियंट फीचर्स ऑफ एलएलपी, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। यस, IAS, please come on, transfer capacity, तो almost same ही है, बराबर, almost क्या अपना same ही है, ठीक है, yes or no, बराबर। तो होप सो आपको याद तक समझ में आया रहेगा, हम लोग मिलते हैं अगले वाले लेक्चर्स में, तब तक ये पूरा मेरे को सेलियंट फीचर्स तक चाहिए, ये ऑलरेडी हम लोगों ने कंपनी में पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ मेरे को बोल दीजिए, ठीक है, yes or no। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एडवांटेज ऑफ एलएलपी फॉर्म, यानी एलएलपी फॉर्म करने का क्या क्या एडवांटेज है, बराबर। यस, चलिए।